So hello everyone, welcome back to my channel, and this is gonna be kind of a pointless vlog. So कोई इतना special कुछ नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी छोटी मोटी special चीज़ें जो होती रहती हैं वही मैंने capture कर ली हैं. So उन्हीं का ये vlog है, और क्योंकि कुछ special मैं कर नहीं रही हूँ अभी, so जो भी हो रहा है, light का झटका आया. हाँ, तो जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है उसका अपडेट देने के लिए थोड़ा थोड़ा वीडियोस बना लेती हूँ मैं. सो वही मैंने डाल दिया आगे, तो बने रहिएगा, फुल व्लॉग देखना एंड तक, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना. चलो स्टार्ट करते हैं. Wait a minute. अच्छी क्यों नहीं दिख रही, मैं डार्क सर्कल से दिख रहे हैं. ये देखो कितनी अच्छी शेप आ रही है मेरी, एकदम मस्त फिगर आ रही है. यही दिखाना मैंने ये व्लॉग बनाया था, व्लॉग मतलब इसका एक शॉट लिया था मैंने. और दिस इज़ द टॉप और ये स्कर्ट, दोनों का लिंक आपको मिल जाएगा मेरी डिस्क्रिप्शन में. और अभी मैं पी रही चाय, और अब हम बनाएंगे वीडियो, डांस वीडियो, जो कि आप मेरे शॉर्ट्स पे या फिर इंस्टा पे फॉलो करके देख सकते हो. और ये है मेरी पार्टनर. हाँ ये कर लो पहले. इन्होंने भी ब्लैक की ट्विनिंग की है मेरे साथ. सो दिस इज अवर आउटफिट. पार्टनर प्लीज कम हियर. पार्टनर फुल बन के आई है अभी. ओ, फुल बालों को लहरा के. हाँ तो ये है. आपके बाल कैसे लग रहे थे वो. जल्दी कर लो यार, मारो मत अभी. One eternity later. तो गाइस एक घंटा बर्बाद करने के बाद भी एक भी वीडियो अपलोड करने लायक नहीं बना है, तो कोई बात नहीं. पूरा मैंने रूम का हालत दिखा दी है, तो कोई बात नहीं. हम लेकिन इस आउटफिट पे एक रील पक्का बनाएंगे हम, ठीक है. तो आज नहीं तो कल पक्का आएगी, आज नहीं तो कल पक्का आएगी. और जैसी भी बनी है वो आ ही जाएगी इसमें भी. क्योंकि इतना आगे दिया हमने कंट्रोल. अरे यार वो वाली बीट याद आ रही है मेरे को. हैप्पी 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 टेन ने 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 ने. ये आउटफिट पहन गई. अरे वो एक वो नहीं आती, दो बिल्लियों की बातें हो रही होती हैं, जो कैट वाले मीम्स आ रहे हैं आजकल. नहीं सुने, जबरदस्ती कर रहा ना यार. मुझे हॉट हो रहा है बिग बॉस. वन डे लेटर. चलो भैया व्लॉग बनाते हैं. भैया आप फ्रेम में आओगे तो मैं कैसे आऊंगी. छोटे हाथों से व्लॉग नहीं बनता, गजब बेइज्जती है. सो गाइस वी आर गोइंग टू सरोजनी नगर. यस भैया, आज हमने जूतों के साथ चप्पल खरीदने की भी सोची है. और हम उसी की तरफ बढ़ते हुए. हाँ, और अब हम जगह प्रस्थान करने वाले हैं जहाँ से हमें चलना नहीं पड़ता, हमें जमीन चला के लेके जाती है. जी हाँ, हमारे नीचे की जमीन लिटरली खिसक रही है. आजकल के नवयुवकों ने नाम दिया ट्रैवलेटर का. जी तो अब देखो मैं खड़ी होंगी तो भी मैं मूव कर रही हूँ. तो ये है आजकल मुहावरे जो हैं वो सच्चाई में बदलते हैं. वो पैरों तले. सो वी आर गोइंग एंड वी डोंट हैव पेशेंस एंड वी डोंट हैव. दीदी ने डिस्टर्ब कर दिया. सो वी आर गोइंग एंड हमारी तरक्की से चलते हुए हमें आगे बढ़ते हुए. हाँ हमको नहीं मालूम हम उससे आगे बढ़ चुके. थोड़ा तेज बोलो क्योंकि उसमें आवाज नहीं जा रही होगी. हर मेरे से बोला वैसे ही नहीं जा रहा है. तो भैया के दांत में लग गई थी, चलते फिरते गिर जाते हैं इंसान. गाइस मैं थक चुका हूँ, मैं थक चुका हूँ. हाँ ये कर लो पहले. या आई वाज सेइंग वी डोंट हैव पेशेंस टू स्टे एट वन प्लेस बिकॉज द एस्केलेटर. इसे क्या बोलते हैं, ट्रैवलेटर. ट्रैवलेटर इज ऑलरेडी मूविंग बट वी कांट स्टे एट वन प्लेस एंड वेट फॉर इट टू रीच आवर डेस्टिनेशन. So we are walking also. So that way the speed of इग्नोर गाइस, अजय ज्यादा हिंदी का प्रयोग करेंगे हम. कृपया हिंदी भाषा का ही प्रयोग करें. गाइस आकाश पाटिया का भी एक यूट्यूब चैनल है, तो अगर जो गिने चुने लोग मेरे को देख रहे हैं वो गिने चुने लोग इनको भी देख लें. अब हम ब्लॉग करेंगे सरोजनी पहुँच कर.
सो गाइस, इसने मुझे बोला है कि अपनी वीडियो बनाने के लिए, पर यहाँ मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ और ये पागलों की तरह देख रही है, देखो। और यहाँ पर मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ और ये सोच रही है कि मैं इसकी बना रहा हूँ। मरना तेरे को डर नहीं लगता? देखा आपने लापरवाही का नतीजा? तो गाइस, मैं बहुत देर से यहाँ पे बैठी हूँ और मेरे को एक इंसान घूरे जा रहा है, जब से पता नहीं क्यों घूर रहा है। इतनी तो सुंदर भी नहीं लग रही मैं। अब मैं दिखाऊंगी आपको कि मेरे को कौन इतनी देर से घूर रहा है। ये देखो गाइस, घूरे जा रहा है जब से। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। सर मत हिलाना, ठीक है? स्टैंड बना रहे हैं आपके सर को। So guys, we have reached Sarojini Nagar और अब हम explore करेंगे। Explore तो क्या ही करना है, एक जोड़ी जूते लेने हैं बस मेरे को, और ये गरीब को कुछ दिला दूंगी मैं। बहुत तेज हो रहा है। Guys, काफी खाली खाली लग रहा है सरोजनी नगर, पता नहीं बंद है क्या, देखते हैं अंदर जाके। भाई, हम गलत साइड से एग्जिट नहीं हुए, सही साइड है। अब हमें रोड क्रॉस करनी होगी और सरोजनी आ जाएगा। क्या कुछ खा लो ना यार। तुम्हारे फ्लश होना ये चटनी रख लो, इसमें खट्टा नहीं है, मतलब साथ में भी तो इधर कर लो। चिपका गए नॉट वेरी खास। वन डे लेटर। सो हेलो एवरीवन, इट्स हेलो अगेन एवरीवन। सो इट्स 1st of March और आज मेरे पापा आए हुए हैं, तो उनसे मिलने जा रही हूँ मैं। और बीमार हो गई हूँ मैं, जैसे कि आप देख रहे हो मेरी आवाज़ से। लेकिन एक तो मेरे को आते टाइम जुकाम होती है जब सर्दियाँ आना स्टार्ट होती हैं, एक जब सर्दियाँ जाने वाली होती है तो पक्का मेरे को गिफ्ट दे के जाती हैं, तो वही मैं गिफ्ट स्वीकार कर रही हूँ। और क्रॉसिन ले गए, ज़िंदगी चल रही है मेरी अभी, तो मैंने स्टिंग वगैरह सब ली थी लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 2-3 दिन रुक के जाती है मेरी जुकाम, तो सांस भी फूल रहा है मेरा। तो अब मैं जा रही हूँ पापा से मिलने, पापा जी से मिलने। तो बाकी का आप देख लेना अगर मैं कुछ फिल्म करूँ तो, बाकी मिलते हैं बाद में। अभी हिम्मत नहीं है मेरी व्लॉगिंग व्लॉगिंग करने की, तो मैंने सोचा, मैंने इतने टाइम पहले स्टार्ट किया व्लॉग बनाना, तो मैं इसको थोड़ा कंटिन्यू कर देती हूँ और आपको सारी चीज़ें सही क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं क्या बोलते हैं, वाकिफ करा रही हूँ मैं, ठीक है। ऑल्सो गाइज, दिस इज़ माई फेवरेट जैकेट और पूरी सर्दी मैंने इतना घिसा है इसको। और अगर आपको लिंक चाहिए, वैसे तो अब सर्दियाँ चली गई लेकिन फिर भी ठीक है, अगर आपको जस्ट इन केस चाहिए हो ना तो मैं लिंक डालूंगी डिस्क्रिप्शन में, बहुत ही प्यारा है, मैं बता रही हूँ आपको। लाइक
ठंडी रुकती है इससे, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। बड़े बहुत ही क्यूट लुक देता है, कितने भी बीमार हो आउटफिट अच्छा होना चाहिए गाइस, है ना। शीशे को इग्नोर करो, बोर्ड को भी इग्नोर करो, सुंदरता सब। एंड दिस इज़ माई आउटफिट। और अगर आप ध्यान से देखो तो जीन्स की डिटेलिंग ये है, इसके फ्रंट में पॉकेट है एंड यहाँ पे भी शायद पॉकेट, हाँ ये रही। और ये हल्की सी मेरे को लंबी थी तो मैंने ऐसा फोल्ड कर दी, बट बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है इसका। और पीछे का बैकग्राउंड भी इग्नोर करो, बहुत अच्छे से कपड़े रखती हूँ मैं। और यही बस है मेरा आउटफिट, सो वी आर ऑल सेट टू गो। अबे यार पीछे का आउटफिट आउटफिट कचरा दिख रहा है और चलो चलते हैं। अच्छे आप